हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्य और आप सभी का हमारे रॉक एडिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ स्मोकिंग रिंग लाइट का एडिटिंग करने वाला हूं। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये और ये भी देख सकते हैं, ठीक है। फोटो को कैसे एडिट किया हूं ये मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपको मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वाला बैकग्राउंड आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है पिक्सआर्ट, ठीक है। पिक्सआर्ट में ऐड करने के बाद हम जाएंगे मॉडल को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड फोटो में जाना है, ठीक है गाइज। ये देख सकते हैं गाइज, मैं फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद अभी जाएंगे कटआउट में जाएंगे। कटआउट में जाने के बाद आउटलाइन को कम कर देना है, उसको आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। मैं जो कुछ भी इसमें यूज़ करूँगा, PNG वगैरह जो भी यूज़ करूँगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। गई जब भी हम सेव के ऊपर टच कर देना है, ठीक है। गाइज ये देख सकते हैं, हम फोटो को ऐड कर लिए हैं। ऐड करने के बाद इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। फ़ोटो को आराम से एडजस्ट करना है, अच्छे से आपको फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट करना है, जैसे कि रियलिस्टिक जैसे लगे, ठीक है। अभी ऐड हो चुकी है। ऐड होने के बाद अभी फिर से जाएंगे ऐड फोटो में जाके ये वाला PNG को हम ऐड कर लेंगे। इसको हम हाथ में ऐड कर लेना है, ठीक है। ये स्मोकिंग जैसे दिखे वैसे ही ऐड कर लेना है। इसको हम क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अच्छे से इसको क्रॉप कर लेना है। ये गाइस देख सकते हैं, ये मैंने क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद अभी इसको राइट डन कर देता हूँ। ये हो चुकी है। अभी फिर से एड फोटो में जाएंगे। ये एड फोटो में जाने के बाद ये जो दिख रहा है ना, ये स्मोकिंग का PNG ऐड कर लेना है। अभी ये करना है आपको, ये ध्यान से देखना है, ठीक। अभी जाना है ब्लेंडिंग में, जाना है ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है, ठीक है। ये उसको फिर से डुप्लीकेट बना लेना है और तीसरी बार भी इसको डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं गाइस, ये हो गया। ये होने के बाद इस वाली PNG को हम ऐड करेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, ये आप आराम से ऐड करिए आपके फ़ोटो में, जैसे कि रियलिस्टिक जैसे लगे ऐसे ही ऐड करना है, ठीक है। फेक जैसे ना लगे, जैसे कि रियलिस्टिक लगे ऐसे ही फ़ोटो एडिट करना है आपको, ठीक है। इस वाली को भी फिर से डुप्लीकेट बना लेते हैं। डुप्लीकेट बनाने के बाद इसको रोटेट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, मैं उसको रोटेट कर दिया हूँ। रोटेट करने के बाद ये कैसे दिख रहा है, ऑसम दिख रहा है ना। अभी इसको राइट डन कर देता हूँ। अभी कुछ अधूरा लग रहा है, ये हेयर भी नहीं है, हेयर को लगा लेते हैं। अभी फिर से जाएंगे एड फोटो में जाएंगे। ये देख सकते हैं, मैंने फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी इस मॉडल के ऊपर लगा देता हूँ, PNG को लगा देता हूँ। इस PNG को भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। जो जो नहीं चाहिए मुझे उसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। आपके फ़ोटो को आप आराम से कीजिए, ठीक है, जैसे कि अच्छा लगे आपको फ़ोटो, ठीक है। इसके बाद राइट डन कर देता हूँ। दूसरी इस वाली फ़ोटो को मैं फिर से जाऊँगा ब्लेंड में। ब्लेंड में जाके मल्टीपल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं अभी क्या करूँगा, ये सेट करना है, ठीक है। ये कैसे सेट कर रहा हूँ ये देख लेना है। फिर से इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है। अभी सिर्फ इतना ही हिस्सा चाहिए मुझे, इसलिए मैं इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। इरेजर में जाके उसको जितना भी जितना चाहिए आप उतना ही ले लीजिए, ठीक है। मुझे इतना ही चाहिए, जैसे कि मैं इतना ही ले रहा हूँ।
गाइस ये देख सकते हैं उसका ओपेसिटी को कम कम कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि रियलिस्टिक लगे, जैसे ओवर ना लगे, ठीक है। ये अच्छा दिख रहा है ना, ये होने के बाद राइट डन कर देता हूँ, ये हो चुकी है। अभी और कुछ PNG ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। ये देख सकते हैं मैंने PNG को ऐड कर लिया हूँ, इसको स्क्रीन के जितना भी फोटो का स्क्रीन के ऊपर ये लगा लेना है, ठीक है। ये होने के बाद अभी जाएंगे ब्लेंड के ऊपर जाएंगे, स्क्रीन कर देता हूँ, ये लुक आ चुकी है, ठीक है। उसको फेस के ऊपर ये जो रेड रेड आ रहा है ना, उसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा जितना भी बॉडी के ऊपर भी है उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद राइट डन कर देता हूँ। अभी इस फोटो को मैं ड्रॉ टूल में जाके सेव कर लेता हूँ। ये सेव होने के बाद हम अभी जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में, ठीक है दोस्तों। हम अभी लाइट रूम एप्लीकेशन में आ चुकी है, ठीक है। ये देख सकते हैं ये पिक्सार्ट में एडिट किए थे, ये लाइट रूम में ऐसे हो गया, ठीक है। मैं यहाँ जो जो भी सेटिंग किया हूँ आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर में इसमें जो जो भी सेटिंग्स ये सब देख सकते हैं, ठीक है। अभी मिक्स टूल में जो भी सेटिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ, एक एक बार टच करके जो जो सेटिंग भी किया हूँ ना मैं उसको दिखा देता हूँ। आपके फ़ोटो को भी ऐसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो चुके, उसके बाद इस वाली टूल्स में जो भी सेटिंग्स है वो आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं ये सब सेटिंग किया था इस फोटो में, ठीक है। ये देख सकते हो ये बिफोर ये आफ्टर दिख रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हैव ए गुड डे।